जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं मॉडर्न हॉस्पिटल मिल्लत नगर आराजीबाग शहर आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं दांतों के मशहूर डॉक्टर कमालुद्दीन आजार शेख, HA डेंटल क्लिनिक, पांडे बाजार चौराहा, निकट शिबली नेशनल इंटर कॉलेज, शहर आजमगढ़। आजमगढ़ से खबर है जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी बकाया तनख्वाह की अदायगी को लेकर जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के कार्यालय पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर अपनी समस्या की तरफ तवज्जो दिलाई। बिजली विभाग में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को जिला अधिकारी ने यकीन दिलाया कि जल्द ही उनकी बकाया तनख्वाह की अदायगी कर दी जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए आशीष कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं? यह मामला जो है ये मजदूरों के वेतन को लेकर है। मजदूरों का वेतन 2019 से अब तक बिना लेटर के कंपनी या विभाग के द्वारा नहीं मिलता है। वो भी वेतन हर महीने में 7 तारीख तक हम लोगों को निर्गत करने का आदेश है, लेकिन जब तक 25 से 26 तारीख नहीं हो जाता तब तक वेतन नहीं दिया जाता है और मजदूरों का शोषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। किस विभाग से हैं आप? हम लोग विद्युत विभाग से हैं। कितने महीने का वेतन बाकी है? अप्रैल माह का हमारा वेतन बाकी है, जिसमें ईद के पर्व पे ADM प्रशासन के द्वारा मुख्य अभियंता को यह निर्देश दिया गया था। 23 तारीख को हमारा धरना यहाँ पे हुआ था वेतन को ही लेके, मार्च माह का वेतन को लेकर। उसमें ADM प्रशासन ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया था कि ईद से पहले आप लोगों का वेतन बांट दें, लेकिन ADM मुख्य अभियंता के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया, जिसमें हमने एक लेटर दिया था कि अगर हमारा हर माह के प्रथम सप्ताह में वेतन निर्गत नहीं होता तो हम हर माह में 10 तारीख को मुख्य अभियंता कार्यालय अथवा DM कार्यालय पर हम लोग धरना करेंगे, जिससे कोई भी औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी प्रबंध तंत्र और कार्यदायी संस्था की होगी। कर्मचारी है? जी, हम लोग कर्मचारी होंगे, जितना जिनका 700 कर्मचारी। हम लोग टोटल 900 के आसपास में है पूरे जिले में। 900 जी। और कई महीने बाकी वेतन? एक महीने का वेतन बाकी है। इसमें कौन कौन किस किस कैटेगरी के लोग हैं? हम लोग स्किल्ड अनस्किल्ड लोग हैं, लाइनमैन, SSO। वेतन की जो समस्या है ये शासन से है कि प्रशासन? ये हर जगह से, शासन प्रशासन दोनों के मिले बगैर। बिना भ्रष्ट अधिकारियों का के नहीं यह सब हो सकता है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी का कमीशन बढ़ा होता है। अगर वेतन नहीं मिला तो आगे हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। या DM साहब यहाँ पे अभी आए, हम लोगों का कोई निराकरण करते हैं, कंपनी से बात करते हैं या विभाग से बात करते हैं, जो निर्देश देंगे उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। DM साहब को ज्ञापन दिया आपने? हमने DM साहब को ज्ञापन देने के लिए मैं आया था, लेकिन हम 29 नंबर कमरे में उसको निर्देशानुसार वहाँ पर जमा करके चले गए थे। किसके नाम से ज्ञापन आया? जिलाधिकारी। किसको भेजा आपने? शासन को, सरकार को दिया, किसको दिया? नहीं, DM साहब को हमने दिया था। जी।